Hello. Hello, Sarji. Hello, 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 everyone. Hello, everyone. Hello, 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 everyone. Fantastic evening to all of you. I hope you all are doing fantastic. आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सर आपके पीछे ये घिंगिंग दिख रहा है क्या बेटा? थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, एक मिनट देना सिर्फ, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए देवी सज्जनों, अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ, बस यार थोड़ा सा फटीक हो गया था। आई मीन सो थ्रो टू मेनी लेक्चर्स, बस और कुछ भी नहीं। लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए थे और इसलिए भाई ये फटा हुआ गला ऑलरेडी जो फटा हुआ है बस वो बैठ गया था, है ना। सो मैंने बोला इतनी बुरी आवाज़ आपको सुनाने से अच्छा है मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ और फिर अपन वापस से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट। इसलिए 2 दिन बच्चों नहीं हो पाया लेक्चर, बट आई एम वेरी गुड नाउ। थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। भाई काफ़ी सारे लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस आए। सर आराम कर लेना सर, आप सर जल्दी ठीक हो जाना, आपका आवाज़ सुनना है। वाह, मतलब मेरा आवाज़ सुनना है, सुन के आपको मेरा आवाज़ सुनना है, मतलब क्यों यार, है ना। आरसीबी 60 रन नालायक, ये देखिए अश्विनी बोल रही आरसीबी 60 रन, क्या करें उसका क्या करें हम, मतलब क्या वो बोलने लायक चीज़ है बेटा। चलिए आइए देवी सज्जनों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का। आई होप वी ऑल आर हियर एंड वी आर गुड टू गो। फटाफट से बताइए बच्चों, आज से एक नया चैप्टर शुरू करें क्या? जल्दी से बताइए, क्या आज से अपन एक नया चैप्टर शुरू कर ले? ऑलरेडी अपना हो गया है चैप्टर 1, 2, 3 और ये अभी 4 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, फिर अपने होगा सिलेबस डन। लेकिन बेटा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में, आपको याद है ना आपके भाई का वादा, क्या वादा था मेरा मुझे बताइए, सिलेबस खत्म होने के बाद में और अपन नया क्या करेंगे बेटा बताइए जल्दी से। याद है कि नहीं या भूल गए तुम लोग? यस मेरी तबीयत बड़ा अभी टकड़ गया, आपको आवाज़ से कैसा लग रहा है? को बहुत वेट किया। ओ प्रिया जी थैंक यू सो मच, प्रिया जी थैंक यू सो मच, मैंने भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेट किया, है ना। चलिए आई होप यू ऑल आर फाइनली नाउ गुड टू गो, यू कैन हियर मी क्रिस्टल क्लियर, यू कैन सी मी क्रिस्टल क्लियर एंड इफ ऑल ऑफ दैट इज सेटल्ड शैल वी प्रोसीड। चलिए शैल वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। बड़ा न्यू चैप्टर जो पढ़ना है ना अपने को, वो हमें पढ़ना है मेरे मेन नोट्स में से, राइट। तो ये एक एंड गेम के नोट्स है, आप चैप्टर 1, 2, 3 के लिए एंड गेम के नोट्स बिल्कुल बिल्कुल रेफर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसके लिए तो बेटा आपको जो अपनी मेन बुक है ना वही रेफर करनी है, है ना, जो मेन बुक है वही रेफर करनी है आपको। सो मेन बुक में जो चैप्टर 4 है एंड 5 आज वास्तव में पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी से प्लीज़ वो ओपन करिए ताकि हम हमारा ये टाइम, अमूल्य टाइम बचाए और इसका मैक्सिमम आउटपुट निकाले, है ना। हाँ बताइए भाई क्या करेंगे? यस बिल्कुल सही, मैंने आपसे पूछा था चैप्टर नंबर 4 और 5 होने के बाद क्या चाहिए आप लोगों को, और तो यस कई सारे लोगों को याद है। कुछ लोग बच्चे बोल रहे रिवीजन तो बड़ा होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले अपने होंगे एमसीक्यू सॉल्विंग, राइट। सो अपन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले एक चीज़ों को एकदम डिटेल में, सो बस बने रहिए एंड डोंट वरी, वंस द सिलेबस इज ओवर बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, अपन बहुत फैंटास्टिक एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनाए और यार मतलब वो जब देखेंगे ना तभी आपको समझेगा, मतलब उतने एमसीक्यूज आप कर लेना आपका सब कुछ कवर हो गया। सर क्या बात कर रहे हैं? सी ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आपने सुना होगा अपने फ्रेंड से भी, उसमें ऐसा पकड़ के चलो डियर स्टूडेंट्स कि एक कम से कम, है ना, आपको 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे, मतलब ऐसे जो आपने सिलेबस में डिस्कस तो नहीं किए बट आते एग्जाम में, है ना। सो उतने अगर आप छोड़ दो डियर स्टूडेंट्स तो वो सारे छोड़ के बाकी जो भी अपने सिलेबस के अंदर का जो जो मॉडल में दिया हुआ है, मॉडल की एक लाइन को बड़ा पकड़ के अपन एमसीक्यूज बनाए, एक लाइन को पकड़ के अपन एमसीक्यूज बनाए। उतने एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए तो आपको इकोनॉमिक्स का जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था ना भाई, वो जो मेरा आपसे वादा था कि जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अपन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको शायद घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बड़ा सारे सेशंस तो अपने हो ही रहे, लेकिन उसके बाद बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स पढ़ना और इस कंसेप्ट को समझना ये एक ही बात है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है दूसरी बात है। आपको जो स्कोर दिलाएगा ना वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से ही, आपको जो स्कोर दिलाने वाला है वो है एमसीक्यू सॉल्विंग एंड बिलीव मी एमसीक्यू सॉल्विंग जब शुरू होगी तब बने रहिएगा, प्रिपेयर करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। ये जो अपने लेक्चर्स हो चुके हैं इनको बस एक और बार देख के आइएगा, बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, बिलीव मी इतना आसान बन जाएगा ना स्कोर लाना, बहुत आसान। सो हम सब यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो एसजीटी पे आपने क्वेश्चंस डाले हैं वो टेलीग्राम पे भी डाल दीजिए प्लीज़। कौन से बड़ा काजल, बड़ा वो सीए के क्वेश्चन है वहाँ पे, अच्छा सीएस के क्वेश्चन आपको चाहिए ना, मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, डोंट वरी, ओके बिल्कुल डाल देता हूँ काजल में, ओके। और वो तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पर जो डाल रहा हूँ बेटा वो थोड़े सीए के क्वेश्चन है, बट हाँ वो चैप्टर आपको भी है तो डोंट वरी। मैं टेलीग्राम के ऊपर अपने यस के चैनल पे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यस के चैनल पे मैं वापस डाल दूंगा, ओके, जस्ट डोंट वरी, फेयर इनफ। चलिए जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड के काज में समझ गया, सारे एमसीक्यूज में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, कोई नहीं। मुझे कोई जैसे एक चिन्मय जैन, चिन्मय बेटा तो मुझे फ़ोन करेगा क्या? तो याद दिलाना मुझे लेक्चर के बाद में कॉल करके, आज नहीं कल सुबह कॉल कर लेना चिन्मय 10 बजे, है ना, एक कॉल कर देना कि सर एमसीक्यूज टेलीग्राम पर प्लीज़ डाल दीजिए मुझे, यार मैं भूल जाता हूँ। 10 बजे ना मेरी बैकेंड टीम आ जाती है, तो बैकेंड टीम आ गई ना मैं तुरंत उनको बोल दूंगा यार सबसे पहला काम तुझे दिन का करना वो है कि सारे के सारे एमसीक्यूज फटाफट से बना के टेलीग्राम पे डाल दो, ओके। तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। सर हम तो आपके एजीटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बात है चिन्मय, फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वो भी सॉल्व करो, वो भी आप सबके लिए है, बड़े काम के आप सारे करिए। लेकिन डोंट वरी, मैं अपने अपने यश चैनल पे भी आपको CSDD का एक्सक्लूसिव सिलेबस है वो भी आप डाल दूंगा, ठीक रहेगा सभी के लिए। ओके चलिए, आप कहो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आना स्टार्ट करूंगा मैं CSDD के। आप कहो तो इंस्टाग्राम पे भी डालू कि आप लोगों का अगर तो वहाँ पे कैसा, मतलब एक चीज तो मैं समझ गया हूँ, काफी सारे बच्चे ऐसे जो लेक्चर को आए ना है बेटा इंस्टाग्राम पे जरूर आता है ना, तो अगर आप चाहो तो उसका पर अच्छा यूज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको चाहिए तो रोज 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 थोड़े थोड़े 5-5 क्वेश्चन चाहिए तब मैं डाल सकता हूँ। टेल मी इफ यू वांट, आई विल डू इट एज वेल। ओके चलिए, सर हमको तो एजीएस, हाँ सर ओके, काफी लॉजिकल और मस्त क्वेश्चन रहते। थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइकिंग द GIF एंड द efforts that we are taking to make it up. Thank you so much. But with all that said, dear students, अब वक्त है चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने के लिए। बने रहिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा पूरा इकोनॉमिक्स ऐसा एकदम एकदम उंगलियों पे करा दूंगा मैं आपको, बस रोज के रोज रहिए। एंड जो MCQ सीरीज चालू होगी ना dear students, you cannot afford to miss it. Let's go. Chapter number 4, Indian financial market. बेटा समझना, Indian financial market, Indian market नहीं, Indian financial market। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या आता है इंडिया का, बड़ा सिंपल, जहाँ पे भी फाइनेंस की ट्रेडिंग होती है ना इंडिया के, वो प्लेटफॉर्म जिसपे फाइनेंस की ट्रेडिंग होती है उनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट माना जाएगा। ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फाइनेंस का ट्रेडिंग होगा? देखिए, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देयरबाय असिस्टिंग इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर द नेशन। मेनली द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री कंसर्न्स विद द फॉलोइंग। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, देखो ये सब आता है। पहला, allocating and mobilization of savings, मतलब क्या, allocating and mobilization, सेविंग्स करना भी और उसको मोबिलाइज करना, सही जगह पे allocate करना, ये आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का मेन कंसर्न। ये एक है प्रोविजन ऑफ फंड, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पे एडिक्वेट और टाइमली फंड्स मिल जाए। फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करना, जैसे आज की तारीख में गूगल पे, फोन पे, भीम, उंगलियों पे ट्रांजेक्शन करे। डू यू नो वर्ल्ड में #1 पे भैया अपन, वर्ल्ड में #1 पे व्हेन इट कम्स टू डिजिटल ट्रांजेक्शन, #1 पे चाइना पीछे रह गया। इतने डिजिटल ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे हो रहे हैं, अपने पे क्या, चाय पिया लेस स्कैन मार, टोस्ट लिया लेस स्कैन मार, ले कचौरी खाई लेस स्कैन मार, तो इतने आइटम्स कहाँ होंगे चाइनीज वालों के पास, है ना। डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोविजन ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो कोई भी कंट्री अगर रहेगी ना बेटा वर्ल्ड की, कोई भी कंट्री, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट क्या आता है, उसमें वो काम कैसे करता है। अब कोई भी कंट्री रही ना वर्ल्ड की, तो उनको ये प्रॉब्लम सताते हैं फाइनेंस के बारे में, प्रोविजन कैसे हो, लीगल स्ट्रक्चर कैसे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहे, एडवाइजरी सर्विसेज कैसे रहे, मार्केट को हम कैसे डेवलप करें। और इसलिए एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर कंपनी का रहे तो इट विल एड्रेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो चेक करना, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल आर, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एंकरेजेस बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा, एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा। सेवर्स और इन्वेस्टर्स को लिंक कराता है ये। इट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मुलेट करने में, कैपिटल को बनाने के लिए ये मदद करेगा। कौन, कैपिटल फॉर्मेशन में कौन मदद करेगा, आपका इंडियन, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, सो फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सपेंशन करना ये भी इसमें आता है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसी के, किसी भी कंपनी से ज्यादा यहाँ पे तो हम बात करेंगे इकोनॉमी के, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के फाइनेंशियल पॉलिसी के फीचर्स ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंकरेज करेगा आपको, सेवर्स को इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ेगा। इट विल असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड विल फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और कैसे बढ़े, ये फाइनेंशियल पॉलिसी का एक आउटलुक रहता है। इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी हो रही है हमारे यहाँ पे, नए नए फॉर्म्स भी आ रहे हैं। द सेक्टर कंप्राइज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, राइट, कोऑपरेटिव पेंशंस, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा and other smaller entities. The banking regulator has allowed new entities such as payments bank to be created recently, thereby adding to the types of entities operating in this sector. आपने बेटा recently Airtel's payment bank सुना होगा, right? सर तो सोच रहे होंगे खाली बैडमिंटन वाली सेट हो जाए बहुत है, कहा कैटरीना पे जा रहे हैं तो भाई सवाल सवाल क्यों विकास सर और सूरज सर की लड़ाई करवाना पड़ा। हाँ सर आज तो विकी कौशल लग रहे हो, मतलब सवल जी कहाँ से लेके आते हैं आप इतने क्या बोलते हैं प्रशंसापूर्वक वाक्य, है ना। सो माय इंग्लिश इज नॉट गुड, सो शुड आई डू CS? जूजा यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश का फ्लेयर डेवलप तो करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे सारे पेपर्स इंग्लिश में, एंड बिलीव मी दे डू कंसिडर हाउ यू लाइक राइट द पेपर्स, राइट। सो बहुत ही अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो देन आई विल से कि आप यू थिंक वंस, है ना, यू कैन ट्राई learning few answers of executive and looking for yourself. But then yes, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मतलब मैं 70% सही लिख लेती हूँ तो फिर ठीक है, मतलब 30% गलती हो जाती सही होता है लेकिन 70% सही है फिर दिक्कत नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं. ओके चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ. बच्चों ध्यान से देखना, इस पूरे चैप्टर में इतना बड़ा चैप्टर है बट आपको डरने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ऐसी मार्किंग करवाने वाले कि एग्जाम के दिन बस जो मैंने मार्क करा के दिया बेटा लास्ट मिनट पे उसको ही पढ़ना है. एग्जाम के पहले बेटा सब पढ़ लो ना, जिंदगी में कितना टाइम है, एग्जाम को कितना टाइम है, सब पढ़ लो, लेकिन बेटा एग्जाम के लास्ट डे पे जो पढ़ना है वो मैं सब मार्क करा के देने वाला हूँ. आप मेरे पास बस बने रहिए, मैं जो मार्क यहाँ पे करूंगा वो आपने आपकी बुक में मार्किंग करनी है, राइट. तो मतलब है जिनके पास अभी नोट्स नहीं है आज कल प्रिंट करवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्किंग. ओके चलिए अब मैं एक चीज को मार्क कराऊंगा, एकदम ध्यान से बढ़ना आगे. अब बड़ा ये जो डेटा देके रखा है इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन से साल में कितना एफडीआई आया, कितना किसने इन्वेस्ट किया, इंडिया में कितने करोड़ आए, ये बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं मतलब नहीं. सो ऐसा फैक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता था बट एक क्वेश्चन आता है, आया तो भी हार्डली पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स में से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आया तो राइट. तो ये जो एकदम ही किचकट डेटा रहता है ना, बहुत सारा डेटा देके रखा है, इसको बिल्कुल आप हंसते हंसते कट जाए रस्ते काट सकते हैं बेटा, कोई खास काम का नहीं. नोटवर्दी डेवलपमेंट्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कब कब क्या क्या डेवलपमेंट हुई. पहला, राइजिंग इनकम्स आर द ड्राइविंग डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द इनकम ब्रैकेट्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई ने बहुत मार्केटिंग की है. इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इंडिया का बढ़ गया, इतना ट्रिलियन कट कर दो. क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन रूरल एरियाज तक जा चुका है, कोई खास काम का नहीं, ये इंपॉर्टेंट है. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब क्या, बट ऐसे इंडिविजुअल जिनका करोड़ों रुपए, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स राइट, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है राइट, और इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मार्केट में, एक अच्छा हेल्थ है कि इतने वेल्दी लोग अपने मार्केट्स में आ रहे हैं. लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है, लेकिन यार आज भी म्यूचुअल फंड जो है ना बेटा इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया. आप लोग देखते रहे कितने एड्स आते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, उसमें भी रिस्क है ना, ये सारी बात है. सो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी भी ठीक ठाक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लॉन्च किया, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपने सुना होगा. सर ने कुछ मैसेज भी ना किया, कौन सा, किस चीज का, इस चीज का, चलिए एनीवे. सो एसेंशियली इसके बारे में बोल रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे फोकस करें कि अगर आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक आई थी. सर ये पेमेंट बैंक क्या रहता है बेटा, प्रॉब्लम क्या रहता है, कई सारे गाँव में बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो एक पेमेंट्स बैंक है जिनको जो प्राइमरी फंक्शन है ना बैंक्स के, एकदम बेसिक बट प्राइमरी फंक्शंस ये अलाउड किए गए. और पेमेंट्स बैंक में बेटा एक दुकानदार भी बैंक चला सकता है, वो एक दुकानदार भी पेमेंट बैंक चला सकता है. इतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में उन्होंने बैंक बना दिया डियर स्टूडेंट्स. लेकिन याद रखना पेमेंट्स बैंक आपको लोन वगैरह नहीं दे सकता. लोन वगैरह के लिए आप प्रॉपर बैंक पे जाइए जहाँ पे प्रॉपर उनका डिपार्टमेंट हो जो असेस करे लोन लेने वाले से क्या सिक्योरिटी लेना है क्या नहीं. लेकिन जहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना है और जहाँ से पैसा विड्रॉ करना है, ये जो बैंक का एक प्राइमरी और बहुत फंडामेंटल फंक्शन है ना, ये पेमेंट्स बैंक ने और आसान कर दिया. इतना आसान कि अब ऐसे ऐसे गांव में डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पूरे बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना मुश्किल था, आज वहाँ पे बेटा एक दुकानदार भी पेमेंट्स बैंक चला सकता है राइट, विद ऑफ कोर्स सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम बेसिक, बट दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एडिशन इन आवर फाइनेंशियल व्हाट गुड से मार्केट. ओके सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम लार्ज utilization of channels, कोई काम का नहीं. महाराष्ट्र has launched the mobile wallet facility, allowing transferring of funds from other mobile wallets. Maharashtra is the first state to do it. So online करना ये exam में आएगा, which is the first state. महाराष्ट्र बेटा जी हम जहाँ रहते हैं वो state की बात कर रहे हैं जी. महाराष्ट्र ने launch किया था mobile wallet facility. Paytm wallet रहता है, बहुत सारे wallets रहते हैं right, MobiKwik का wallet आता है, वैसे बेटा महाराष्ट्र का भी एक wallet है. As of October 18, Financial Inclusion Lab has selected 11 fintech innovators with an investment of this many millions. Prompted by IIM भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव. कोई काम का नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखना कितने हमारे पास इनोवेटर्स सिलेक्ट किए गए थे बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब, 11, दैट्स इट, 11. कोई उसमें बाकी लर्न करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब नहीं. बट इस पूरे चैप्टर में मेरा आपसे काम यह है कि मैं आपको ये बताऊँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. नहीं तो आप अगर उसको पढ़ते बैठे डियर स्टूडेंट्स, लिख लेना सब पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर रह जाएगा, इतना 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 टेरिबल लगेगा आपको, इतना टेरिफिक. सो बने रहिए, मैं जो जो आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ प्लीज अंडरलाइन करना, वैसे ही पढ़ना आपको. सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या ये सफिशिएंट है, आप पूरा स्टार्टिंग में बोल दिया लेक्चर के ना, बिल्कुल. सर ने कुछ मैसेज भी नहीं किया, ये क्या लिखा था रामशेखर, बड़ा उसका रिप्लाई करना है, और कौन से मैसेज की बात कर रहा है, तो देखना, की फैसेट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडिया के इंस्टीट्यूशन, इंडिया में कब कब कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ कैसे कैसे हुई, देखना। The significant characteristics of Indian financial system are as under. सबसे पहले it plays a pivotal role, बहुत important role play करता है वो, ठीक है। It is playing significant role, वाह, पहले बोला pivotal, अब बोल रहे significant, कट करो। Safeguarding the interest of investors by ensuring smooth and financial transactions to regulatory bodies, RBI को लाया है, SEBI को लाया है ताकि इनको regulate करे, यहाँ पे frauds minimum हो। Contribute substantially towards economic development and raising the standard of living, लोगों की standard of living बढ़ाने के लिए financial markets का बहुत बड़ा योगदान है। इसको कट, इसको कट, इसको कट, सिर्फ याद बस ये रखे, आरबीआई और सेबी है जो हमारे मार्केट्स को यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए, बहुत सारे एक्ट्स है उसमें से ये दो बॉडीज भी है। ओके, प्रोमोट्स डेवलपमेंट, इससे वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट होता है, असिस्ट होता है कॉर्पोरेट कस्टमर्स को कट, फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग, फाइनेंस डीप मतलब गाँव गाँव में जाए और ब्रॉड ऐसे कई सारे जगहों में जाए, हर रिमोट से रिमोट गाँव में जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेट्स में जाए, डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, ये भी एक काम है। द ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी ब्रॉडली कवर्ड बाय फॉर बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ना है तो तीन मेन सिस्टम्स को पढ़ लो, बैंकिंग सिस्टम, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। सो इंडिया के, सर मुझे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है, इसमें किन किन चीजों की पढ़ाई करूं? बेटा काम कर लो, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को समझ लो, ओके, साथ साथ में बेटा इंडिया की म्यूचुअल फंड सिस्टम, म्यूचुअल फंड को समझ लो इंडिया के, और इंश्योरेंस को। अगर आप इन मार्केट्स को समझ लेते हो इंडिया के, सो यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स आर, हाउ एक्टिव दोज मार्केट्स आर, राइट। सबसे पहले बेटा बैंकिंग सेक्टर आता है, ओके हम सबको पता है कि भाई आरबीआई है बैंक इंस्टीट्यूशन की सबसे अपेक्स बैंक। अगर आप बैंक को क्लासीफाई करने जाओ तो चार टाइप्स में बैंक को क्लासीफाई किया जा सकता है, राइट, चार टाइप में। ओके, कौन से चार्ट है बेटा? ओह तारा जी, हाय हाय तारा, हाउ आर यू? ओह थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट टीचर फॉर एफएसएम, ओह थैंक यू सो मच। एक्चुअली तारा के बारे में आपको मैं एक चीज बताऊं क्या, शी इज वेरी गुड एट अप्रिशिएटिंग पीपल। तो तारा ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे बेस्ट टीचर फॉर एफएसएम बोल रहे हो, तो बाकी भाई बेस्ट से तो अपन दूर ही है काफी, बट आई एम हैप्पी यू लाइक द लेक्चर। हाय अवंतिका, हाउ आर यू? आज एग्जीक्यूटिव के बच्चे कैसे आ गए भाई यहाँ पे, मतलब क्या पढ़ाई हो गई क्या, थोड़ा सा याद आ गई फाउंडेशन की तुम लोगों को, है ना? चले, थैंक्स अवंतिका, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट, राइट, यू आर फैंटास्टिक। अच्छा, हमारे लिए तो आप ही बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर फैंटास्टिक एंड यू आर स्टडिंग वेल, राइट, योर एग्जाम्स आर कमिंग अप एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत अच्छे से करना। ओ ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर कमिंग यार। ओह अवंतिका, थैंक यू सो मच, इतनी याद आ रही तो आ जाओ फिर मिलने यार। अच्छा, जब पास हो जाएंगे तो पुणे लेके आना, पुणे आना, और क्या लेकर आना है ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा, है ना। रामशंकर बोल रहा है सर ने छुट्टी दे देनी चाहिए आज, क्यों क्यों है, क्यों छुट्टी दो आज में? ओके, हाँ तो अवंतिका तारा आपको पता है ना क्या करना है पास होने के बाद में, क्या लेकर आना है पुणे, गुड, है ना। बैडमिंटन रैकेट लेके आओ, ये सोहम है ना ये, और ये देखो ये तुम्हारी बैच देखो, एग्जीक्यूटिव वाले देखो, ये तुम्हारे जूनियर्स लोग ये सिर्फ बैडमिंटन पे अटके हुए अभी भी, सिर्फ बैडमिंटन पे, इनको और कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, मतलब बैडमिंटन की रैकेट लेके आओ। अभी रैकेट लाके क्या करेंगे हम? आई एम गुड देयर, चले देवांशु, आई एम गुड। सर चिराग सर का एड्रेस बता दो, उन्हें भी हो सवल जी गिफ्ट भेजना है बड़ा। क्यों 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 क्यों? सर से पूछ लो डायरेक्टली, सर से पूछ लो सर एड्रेस दे भेज देना यार। ओके, नो यार अवंतिका, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनफैक्ट ड्रॉपिंग बाय, थैंक्स तारा एंड अवंतिका। चलिए, सो लेट्स गो एट कमर्शियल बैंक्स को अगर इंडिया में देखना है बेटा, तो कमर्शियल बैंक्स को इंडिया में 4 कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कमर्शियल बैंक्स, है ना। कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अरे एचडी नहीं एचडी, अरे एचडीएफसी है ना। अब तुम बिहार में मान लीजिए कि सब बिहार सब पहुंचोगे कि एचडीएफसी को प्रोनाउंस करे तो बिहारी क्या बोलेगा, एचडीएफसी, ये सुनो। तो HDFC बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। बड़ा इस कमर्शियल वर्ड का मीनिंग क्या है? ये सारे बैंक्स प्योरली प्रॉफिट मोटिव के लिए, जहां प्रॉफिट है इनका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, पेमेंट्स बैंक भी है और कोऑपरेटिव बैंक भी है। बड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो रहता है ना, ये यूजुअली रूरल एरियाज के लिए बनाए गए, राइट। इसको 3 टायर सिस्टम पे है, हर गाँव में एक एक बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट पे बैंक हो और स्टेट लेवल पे भी बैंक हो, तो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए हैं। ये मेनली रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, इसके लिए बनाए गए बैंक से। सो बैंक्स को अगर अपन देखें ब्रॉडली चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ये एग्जाम में आएगा कि हम कितने तरीके से, बोलो क्या, कितने तरीके से बैंक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चार कैटेगरी बेटा, पहला कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये जो नए टाइप है ना बेटा बैंक्स के, जस्ट डोंट वरी, एकदम डिटेल में अपन नीचे अभी पढ़ने वाले। ओके, प्रियांशी सोनी से यू आर बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब आज क्या तुम मजे लेने के लिए आए बच्चों, सब बेस्ट बेस्ट लिख रहे। कोई डाउट आ रहा है मेरे को, मतलब कुछ किसी सर ने कह दिया गया ऐसा बोलने के लिए? बैडमिंटन के अलावा वंडर वुमन भी दिखाता है ना, लाइक लोग क्या कर रहे हो यार, ह्यूमर वाने पे तू लोग घर में बैठा हो, बाहर सोना पड़ेगा यार, ऐसी बातें ना करो, मैम आ जाएंगे चैट पढ़ लेंगे। बड़ा इतने बड़े एलईडी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे तुम्हारे चैट्स, कुछ शर्म नहीं करते। उस दिन मैम आ गए, नालायक लोग लिख रहे बैडमिंटन के बारे में मैम को बताओ, कैसी बातें कर रहे हैं यार बच्चों। मैम मुझे उस दिन पूछ रही थी ये बैडमिंटन क्या है, मैं क्या बोलता, मैंने मैम को मजाक मजाक में इलास्टिसिटी पढ़ा दिया बेटा पूरा। चलिए आर्यन जी, थैंक यू सो मच, कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल आपकी हिंदी है। चलिए अच्छा अनामिका, क्या बात है, थैंक यू। अरे विकास सर की आवाज़ है ही मीठी, मतलब शहद पीकर आते हैं सर, मतलब हनी। विकास को बोलना कल आप चैट बॉक्स में लिखना, बोला सर आप हनी पीते हो कि नहीं, क्योंकि इसलिए आपकी इतनी आवाज़, विकास सूरज सर बोल रहे थे, बोलना सर आप हनी पीते हो इसलिए आपकी इतनी मधुर आवाज़ आती है ना, मतलब मिठास है ही उनकी आवाज़ में बेटा। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स कंटिन्यू, आइए कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या रहते हैं बेटा, ध्यान से देखना। कमर्शियल बैंक को फर्दर क्लासिफाई कर सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो बेटा ये सब के सब कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, इसमें फॉरेन बैंक्स भी आ सकते हैं, साथ साथ में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। ऑन द अदर हैंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल, जिसमें आपसे कहा कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट लेवल पे भी है और रूरल लेवल्स पे भी है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को आप अर्बन और रूरल में क्लासिफाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ फेयरली न्यू एडिशन टू द स्ट्रक्चर इज पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक क्या है, बने रहिएगा, लास्ट में है, बहुत बढ़िया। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आरबीआई एक्ट है, कब की है बेटा, अंडरलाइन करना, 1949। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अंजलि भाई थैंक यू सो मच। अरे यार आज सब चैट बॉक्स में आप बेस्ट है, आप बेस्ट है, आप बेस्ट है यार, ये आप क्यों लिख रहे हो, मतलब मेरे को डाउट आ रहा है बेटा, मेरे को सच में डाउट आ रहा है, तुम आज मजे ले रहे हो क्या मेरे। ऑनेस्टली मेरे को भी एड्रेस नहीं पता बेटा, सवाल मेरे को एड्रेस नहीं पता। चलिए सो देखते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बस ये अंडरलाइन करना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या रहते हैं, देखो लिख के दिया उसमें, जिसमें मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द कंट्री आर द नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड अकाउंट फॉर मोर देन 75%, अंडरलाइन करना बेटा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो ये ऐसे बैंक्स है जो ओवरऑल जितना भी बैंकिंग एक्टिविटीज हो रही है ना इंडिया में, उसका 75% बेटा इन्हीं से हो रहा है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक से ही हो रहा है। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच मेजर स्टेक और इक्विटीज हेल्ड बाय प्राइवेट शेयरहोल्डर, मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट शेयरहोल्डर्स के पास है। ऑल द बैंकिंग रूल्स लेट डाउन बाय द आरबीआई विल बी एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट बैंक एज वेल। तो पब्लिक हो आप या प्राइवेट हो, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों को एप्लीकेबल है, राइट। अब फॉरेन बैंक क्या रहती है, तो फॉरेन बैंक वो रहती है, ध्यान से देखना, फॉरेन बैंक वो रहेगी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन अ फॉरेन कंट्री बट ऑपरेट्स इन इंडिया। तो ऑनलाइन करना, बहुत ही मजेदार डेफिनेशन, एग्जाम में बेटा ये आएगा। फॉरेन बैंक क्या है, फॉरेन बैंक बेटा ऐसी बैंक है जो काम तो इंडिया में कर रही है पर उसका हेडक्वार्टर्स आर आउटसाइड इंडिया। तो ये ऑनलाइन करना, ये एग्जाम में आएगा। और फॉरेन बैंक इज अ बैंक हु हैज इट्स हेडक्वार्टर्स डैश इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एक्सेट्रा। हरिन थैंक यू सो मच, थैंक्स विका। अनामिका बोल रही है ओके सर, तो आप भी हनी पीते हो क्या। अनामिका मेरी इतनी आवाज कहाँ मिट्टी है बेटा, कोई हनी वनी नहीं पीता भाई मैं। आई एम वीगन, है ना, वीगन मतलब एनिमल से आया हुआ कोई भी चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। सो मैं दूध भी नहीं पीता, हनी भी नहीं, वीगन है ना। कोई नहीं जूही, आप वर्क करो, आपको डबल एफर्ट लेने हैं, आपको इंग्लिश पे भी इंप्रूवमेंट करनी है, बाकी लोग से पढ़ाई करेंगे, आपको अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीरियस बनना। तो शुरुआत करो, स्टार्ट से, एक स्टेप पीछे जाओ, जोरदार इंग्लिश करो, एक साल भर सिर्फ इंग्लिश में बात करो, लोगों से इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सुनो, न्यूज, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सुना, इंग्लिश बोलना, ऑटोमेटिकली आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्यों नहीं, फिर आप भी कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन जो रॉ मटेरियल है उससे शुरुआत करना, तुम डायरेक्टली सिर्फ सीएस का बोल रहे हो पर आप बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उस पर काम करना है ना। दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश। बिलीव मी, मेरी भी इंग्लिश एक जमाने में बहुत वीक थी, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, बट देन स्पीक इन इंग्लिश, लिसन इंग्लिश, एंड दिस यू कैन रियली मेक अप फेयर नॉलेज अबाउट, फेयर वोकैबुलरी अबाउट द लैंग्वेज विद इन मंथ्स। चलिए, थैंक्स अनामिका। चलिए, इनफैक्ट सारे ऐसे अकेडमी के टीचर भी अच्छे हैं, बिहेव करते हैं एंड हमें समझते हैं। बिल्कुल। अबे अच्छे अच्छे बच्चे मिल गए तो टीचर्स अच्छे बिहेव करेंगे ना बड़ा। यस, इंग्लिश एटमॉस्फेयर बना लो, डेफिनेटली इंग्लिश इंप्रूव होगी। चलिए, लेट्स गो एट। सो बड़ा, फॉरेन बैंक का डेफिनेशन याद रखना। फॉरेन बैंक है वो बैंक, अंडरलाइन करना, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, बट विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, राइट। प्राइवेट बैंक कौन से रहेंगे, जिसमें मेजोरिटी किसका से, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का। और ऑफकोर्स पब्लिक में क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये नेशनलाइज बैंक्स है, आर द नेशनलाइज बैंक्स एंड अकाउंट फॉर मोर देन 75%, है ना। नेशनलाइज किया गवर्नमेंट ने इनको, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इनको चलना है, इनके लिए गवर्नमेंट के कुछ और स्पेशल रूल्स है वो एप्लीकेबल रहता है। ओके, चलिए, रीजनल रूरल बैंक्स कौन रहते हैं, आरआरबी, आर आल्सो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, बट दे आर एस्टैब्लिश्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर, marginal farmers, small enterprises. They usually operate at regional levels in different states of country and have branches in selected urban areas. Other important function by RRB is providing banking and financial services to rural and semi-urban areas. तो बड़ा RRB भी commercial है, ऐसा नहीं कि RRB not for profit है, ये भी commercial से, ये भी profit कमाना चाहते हैं, इनका main aim है गाँव में काम करना, गाँवों को financial services provide करना, इसलिए regional, rural banks, urban areas में इनके selected branches है, बाकी mainly, I think मेरा गला बैठ गया अभी, बट मेनली ये गांव के लिए काम करते हैं। देवांशु दुनिया कुछ भी बोल रहे, जैसे मेरा भाई था आदर्श, उसने ठान लिया था कि भाई हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो दुनिया इधर की उधर, दुनिया कुछ भी बोले, मेरा भाई इंग्लिश में बात करता था मेरे से। एंड बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, मतलब बिलीव मी, आई थिंक वो अगर वैसा नहीं करता तो शायद कभी मेरी इंग्लिश अच्छी होती ही नहीं। सो दुनिया क्या बोल रही है उससे अपने कब से पढ़ी रहे, इतना कब से सोचने लगे तुम दुनिया के बारे में, राइट। हम लोग क्या करना है इतना, हमें बस इतना पता है कि हमको हमारी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, दैट्स इट। सिंपल रूल दिमाग में रखेंगे, अपने को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप इंग्लिश में बात करो, ऑटोमेटिकली बिलीव मी विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी द रिजल्ट, 6-7 मंथ्स एंड यू विल सी द रिजल्ट। एंड बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी फंडामेंटल, एज इंपॉर्टेंट एज इट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल, equally important it is to present your paper such that the teacher can really understand what you wish to communicate. It should just not be that you have lot of knowledge but you are unable to express it. एक बड़ा जल्दी से आपको 2 सेकंड के ना, एक 10-20 सेकंड की आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी ध्यान से सुना। एक लड़का था और उसको एक लड़की से बहुत ज्यादा शिद्दत वाला प्यार था, मतलब आजकल के बच्चों जैसा नहीं, शिद्दत वाला प्यार है ना, दम दिल वाला। बट बेचारा बहुत डरता था लड़की को कहने से, तो लड़का क्या करता था, हर हफ्ते एक मस्त ग्रीटिंग कार्ड बनाता था, उसको सजाता था, धजाता था, to spray various perfumes and to ensure that the greeting card is so pleasant that if she opens up the girl, she should someday fall in love. So he was so confident about it. So he took a lot of efforts designing and doing the beautification of the greeting card, making it like look like wow, what a greeting card it is. He used to put a lot of efforts. But हिम्मत नहीं थी कभी भी लड़कियों को कुछ बोलने की। तो ये लड़का क्या करता था मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी ध्यान से सुनना, ये लाइफ बदल देगी स्टोरी तुम्हारी, 1 मिनट की स्टोरी है। ये लड़का क्या करता था, इतना बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड बनाता था पर डरता था, तो ये है ना वो पोस्ट से उस लड़की को भेजता था, पोस्ट कार्ड्स पोस्ट करता था और लड़की को भेजता था, क्योंकि खुद की डेयरिंग नहीं थी बोलने की, बोल नहीं पाता था, एफर्ट्स बहुत ले रहा था, प्यार शिद्दत वाला था, जेन्यून, पर बोल नहीं पा रहा था। हर हफ्ते बेटा, हर हफ्ते बढ़िया से बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड बनाता था, इतने ग्रीटिंग कार्ड बनाया बेटा। फाइनली, ये ध्यान से सुनना अभी, फाइनली 6 महीने बाद लड़की को भी लड़के से प्यार हुआ, 6 महीने बाद भी लड़की को प्यार हुआ, बट किससे जानते हो, किस लड़के से, पोस्टमैन से। क्या तुमको मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में है, छह महीने बाद। अरे आर्यन एक ही बात हुई ना, मैसेज कर देता, मतलब क्या उसको वही तो था, वो डायरेक्टली बात ही नहीं कर पाता था लड़की से, इसलिए पोस्ट से भेजता था। 6 महीने बाद फाइनली 6 महीने बाद भी लड़की को भी प्यार हुआ, बट लड़के से नहीं, पोस्टमैन से। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? समझ में आया तुमको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बड़ा ये है तुम्हारी लाइफ, ऐसा ना हो जाए अपने लाइफ में कि तुम सब मेहनत लो, तुम ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, तुम ग्रीटिंग कार्ड सजाओ, तुम देखो कि उसमें क्या शब्द आने चाहिए, लेकिन वो ग्रीटिंग कार्ड तुम नहीं दे पाए। देने वाला कौन था बेटा? वो वॉचमैन, वो पोस्ट कार्ड वाला पोस्टमैन, उसको चांस मिला। तुम हर बार ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, उस पोस्टमैन को चांस मिलता था लड़की से बात करने का। तुम हर बार ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करते थे, उस पोस्टमैन को चांस मिलता था लड़की से बात करने का। 6 महीने तुमने बनाया ग्रीटिंग कार्ड, वो पोस्ट करने के लिए पोस्टमैन गया, एट द एंड लड़की पटी, लेकिन पोस्टमैन से, आपसे नहीं। ये है बेटा हार्श ट्रुथ, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। It should same is with the English language. If you know a lot of knowledge, but if you are unable to present it on the paper, बस अब वही होने वाला है जो लड़के का हुआ। लड़का कभी बात नहीं कर पाया, इसलिए लड़के के एफर्ट्स वेस्ट चले गए। समझ रहे हो? तो ऐसा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तुम नॉलेज बहुत ले लो रे, बहुत पढ़ाई कर लो, बट ये पढ़ाई अगर एग्जाम में को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, उसको बता ही नहीं पाया बेटा, तो क्या फायदे का? एंड हेंस ऐसा है। सर या आप स्टोरी है क्या? क्या आपकी स्टोरी है? मेरी सी ऑफ कोर्स यू शुड बी फ्लुएंट एट द लैंग्वेज इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज टुमारो वंस यू गो एट द कॉर्पोरेट लेवल यू विल बी कमिंग अक्रॉस वेरियस ऑफिसर्स, वेरियस डायरेक्टर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, एंड देन एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स इंग्लिश इज द मोस्ट प्रेफर्ड नॉलेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज, राइट? सो बिजनेस कोर्स में तो यस, इंग्लिश यू हैव टू नो वेरी वेल. And yes, to make English fluent, it's not that difficult, but yes, you have to take efforts. Nothing would happen if you don't do anything. Start from today, it will definitely happen. And the best way to speak fluent English is to listen to good words and use it. Speak with your friend in English consistently, continuously. Continuously. ऐसा नहीं रहना चाहिए एक दिन बात की and then you again on Hindi. Make it a habit. Of course, it will take certain days. It will take some very, very what you could say voluntary efforts from your side, but yes, you have to make it happen. My brother did it for me, Adarsh his name was, he did it for me, and I think you can find one. So I was very fortunate to have him. So Adarsh used to speak with me in English, and then I used to speak with him again in English, and eventually we, without taking any efforts, we realized we were good at English. So find one good friend to whom you can continuously talk in English, and that should definitely help. Chaliye aage badhe, chalo aage. So regional rural banks के बारे में हो गया, providing banking and financial services. आगे बढ़ेंगे government operations like disbursement of मनरेगा workers, distribution pensions etc. बड़ा मनरेगा क्या है? मतलब महात्मा गांधी जी की स्कीम है बेटा, महात्मा गांधी जी की, राइट? और इसके तहत गवर्नमेंट बेटा जब जब गरीबों को कुछ पैसे पहुंचाना चाहता है, तो वो मेन काम किसका है बेटा? RRB का। अरे गाँव गाँव में पैसे पहुंचने चाहिए गरीब के पास। अब गरीब का क्या ICICI बैंक में अकाउंट होगा, HDFC अकाउंट में होगा? अरे ये शायद बैंक होंगे ही नहीं उन गाँव में, तो फिर करना क्या चाहिए? तो ये गांव में बटा जाती है एक RRB, रीजनल रूरल बैंक, और जितना भी गवर्नमेंट को, आम आदमियों को, गरीबों को, किसानों को जो भी पैसा पहुंचाना है, इस मनरेगा जो स्कीम है, इसके तहत डियर स्टूडेंट्स RRB पहुंचाती है। तो RRB डज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, लॉकर फैसिलिटीज भी हो देती है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? जैसे निश बैंकिंग से पॉइंट, स्मॉल निश मतलब सिलेक्टेड कैटेगरी को ये सर्विस देती है। कौन है वो कैटेगरी? And is aimed to provide financial services to the section of society that are not served by other banks. So, ऐसे लोग जिनको दूसरे बैंक शायद entertain भी ना करे, उन लोगों को जो service देती है वो है small finance bank. The main customers of small finance banks are micro industries, small marginal farmers, मतलब छोटे farmers, unorganized sectors and small units. These are licensed under Section 22 of the Banking Regulation Act and are governed by the provisions of RBI Act 1934 and FEMA. Underline करना, FEMA Foreign Exchange Management Act. तो बेटा RBI, जहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आ रहे, वहाँ से FEMA भी आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, सो इसके तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखना स्मॉल फाइनेंस बैंक के मेन कस्टमर्स कौन है? माइक्रो लोग सब, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, राइट? अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो इतने प्रोफेशनल नहीं है, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाई है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका नाम बेटा पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक है, दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल. It was conceptualized by RBI and is allowed to accept, underline करना, allowed to accept restricted deposit. थोड़ा सा deposit accept कर सकते हैं, restricted. They also offer services like ATM card, debit card, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, द फॉलोइंग आर द पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। तो आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी सर्विसेज आपको मिलेंगे, राइट। इंडिया पोस्ट का एक बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है और एयरटेल का भी पेमेंट्स बैंक है, राइट। ये सारे पेमेंट बैंक है, ये लिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बैंक की खासियत क्या है, इसके बहुत लिमिटेड ऑपरेशन है। लोन वोन आप यहाँ से ले नहीं सकते, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा थोड़ा विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है कितना डिपॉजिट कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो। एम बस यही है कि गांव गांव में बेटा बड़े बड़े बैंक को जाना परवड़ता नहीं, बैंक का लॉकर बनाओ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, उस गांव में पैसे इतने कम है, ओवरऑल इतने गरीब है कि उस बैंक का कुछ खास उसमें प्रॉफिट निकलना नहीं। तो क्योंकि इसके ऐसे प्रॉब्लम्स, इसलिए बड़े बड़े बैंक ऐसे गाँव में जाते नहीं जहाँ पे पैसा ही नहीं है, तो वहाँ पे वही के लोगों में एक बैंक शुरू की जाती है और उसको कहते हैं बेटा पेमेंट्स बैंक। क्या कहेंगे उसको? पेमेंट्स बैंक। स्नेह कुमार, वर्ड सिलेक्शन के लिए तो बेटा अपन बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश सुनो। प्रॉब्लम क्या है, तुम डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, तुम इंग्लिश सुन ही नहीं रहे। कैसे वो कैसे वर्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है? न्यूज देखना है, व्योन, बहुत बढ़िया चैनल में तो वही रेफर करता हूँ, व्योन, वर्ल्ड इज वन न्यूज, इंग्लिश में न्यूज है सारे अपने इंडिया के भी, इंटरनेशनल भी, ओके। आप वो पढ़ लेना, बिल्कुल व्योन ये सुनना। यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब इंग्लिश के नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे और मेन मतलब इंडियन एसेंट, इंडियन वर्ड्स मेनली आपको मिलेंगे जो इंडियन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, वहाँ से सुनो और फिर कहीं पे अप्लाई करो। गेटिंग अ पॉइंट? ओके। प्रॉब्लम ये है कि तुम डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की सोच रहे हो, अपने को इनपुट्स आने रहे हो और अपना आउटपुट निकाल रहे हो। आप सुनो फिर ऑटोमेटिकली सुनाते आएगा लोगों को, ओके। चलिए सर, द हिंदू भी है, न्यूज़ है, यस बिल्कुल बेटा, लेकिन एक लाइव न्यूज़ देखने से, जो वीडियो से जो आप सीखोगे, That would be faster than reading it. पहले आप वीडियो से सीख लो, सुन के सीखो, बाद में फिर आप बुक्स रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना, वो सब तो होते ही रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए पेमेंट्स बैंक के बारे में और ट्रेडिशनल बैंक के बारे में बेटा मैंने कंपैरिजन चार्ट देकर रखा, ये आपको एकदम क्लियर कर देगा चीज़ों को। देखिए पेमेंट्स बैंक क्या क्या नहीं कर सकता, डिपॉजिट यस यस, इंटरेस्ट यस यस, विड्रॉल यस यस। बेसिक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, विड्रॉल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो मेन फंक्शन है बैंक का, इसलिए बैंक बनी थी ये पेमेंट्स बैंक में। अब इसके बाद के फीचर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है, जैसे लोन देना नहीं, पेमेंट बैंक नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यस, छोटे छोटे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपीज़ वगैरह भी पेमेंट्स बैंक आपको ऑफर कर सकती है। और बाद में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, यूजुअली कमर्शियल बैंक्स में लिमिट नहीं है, आपको जितना पैसा डालना डालिए, बट पेमेंट्स बैंक में मैक्सिमम एक आदमी 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकता है पर इंडिविजुअल कस्टमर, लगेगा सभी के लिए, ओके। आगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या रहते हैं, तो हमने देखा था कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड एज अर्बन एंड स्टेट। So urban cooperative banks refer to the primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas, essentially lend to small borrowers. Small borrowers के पैसा देते हैं। तो सर state cooperative banks क्या होते हैं? A state cooperative bank is a federation of central cooperative banks which acts as custodian of cooperative banking structure in the state. तो पूरे state में जो ये cooperative banking का structure है, इसका जो custodian है, जिसको ऊपर ध्यान रखता है, ऐसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का फेडरेशन जो है उसको कहते हैं स्टेट। इन शॉर्ट गांव लेवल पे, रूरल लेवल पे, एकदम गांव के लेवल पे भी एक प्राइमरी बैंक रहती है, ये हो गया एकदम गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बैंक रहती है, उसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। और फिर ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंट्रल बैंक्स रहेंगे, ओके। ये सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है बेटा, बाबा आरबीआई की बात नहीं कर रहे हम, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमारे पास है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, समझ में आया? गांव लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनका फेडरेशन जो है वो स्टेट। सर डिपॉजिट लिमिट रखने के लिए पीछे एम क्या है? बेटा सोम एम ये है कि देखो ये पेमेंट्स बैंक जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी हुई है, समझ रहे हो? आपके बैंक में एक ऐसा लॉकर रहना चाहिए कि कोई चोर आए तो आप उसको प्रोटेक्शन दे पाओ। उसमें करोड़ों रुपए रहेंगे तो उसमें कई सारे लोगों की, उतने बड़े लोगों की उस पे नजर भी रहेगी। ये पेमेंट्स बैंक जो रहते हैं ये सिर्फ आपको फैसिलिटी देने के लिए बने हुए हैं। अगर यहाँ पे ह्यूज कैश इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ह्यूज अच्छे लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी भी, सिक्योरिटी भी लगेगी, जो शायद गाँव में अफोर्ड ना हो पाए। गाँव में शायद उतनी सिक्योरिटी एक बैंक ना दे पाए जितने कमर्शियल लेवल पे आपको अर्बन सिटीज में देखने मिलते हैं। आपको यहाँ पे एक गार्ड मिलेगा जिसका हमेशा गन रहेगी कि अगर कोई चोर आया ही तो क्या करना है। शायद ये फैसिलिटी आप गांव में ना दे पाओ, इसलिए गांव में पेमेंट्स बैंक का एम बस यही था कि इमीडिएट है बहुत। देखो एयरटेल की ऐड आती है, आप देखना वो बहुत मस्त है। उस ऐड में 1 मिनट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पेमेंट्स बैंक कहाँ पे, कौन से लेवल पे काम करती। ऐसा सोचना बेटा आप कि जहाँ एकदम ही रिमोट एरिया है, जैसे 200-300 रुपए भी निकालना बहुत बड़ा ख्वाब है लोगों के लिए कि 200-300 रुपए हम कैसे निकाले, इतने मान लीजिए लिटरेसी वहाँ पे उतनी कम है, उन जगहों पे पेमेंट्स बैंक का काम है। इसलिए वहाँ पे लिमिट रखी हुई है कि एक आदमी 1 लाख से ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता। क्लियर है सभी के लिए? फेमा, फेमा का फुल फॉर्म है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल मनी का फ्लो रहता है, वहाँ पे फेमा बीच में आता ही आता है। तो आरबीआई तो हमेशा है, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वहाँ पे फेमा भी आएगा बीच में, आरबीआई के साथ साथ फेमा भी, फेमा ही लेना। एवरीबॉडी इंग्लिश सॉन्ग्स मेक्स मोर फ्लुएंट। रजत, जो आपको सही लगे, बस इंग्लिश के नए वर्ड्स आने चाहिए। मैंने कभी इतने इंग्लिश सॉन्ग से कभी सीखा नहीं, सो आई माइट नॉट बी द करेक्ट पर्सन टू टेल यू ऑन दैट। What to do to make my answer attractive? Juhi, just write the correct answer. Simple. What to do to make my answer attractive? Just write the correct answer. That's it. It will automatically be attractive, right? चलिए, फेमा ही लेना, फेमा, फेमा, फेना नहीं बेटा, फेना आम आदमी बोलता है, CS करने वाले बच्चे फेमा बोलते हैं बेटा, फेमा ही लेना, है ना। चलिए, अब आगे बढ़िए। The major developments in the Indian banking sectors कब कब क्या क्या हुआ? 1921 में क्लोज मार्केट्स थे, सबसे पॉसिबल देखो स्टेट ओन्ड इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, यही बैंक थी पहले के 1921 में। फिर 35 में आरबीआई, 36 से लेके इंपेरियल बैंक एक्सपांडेड, 480 ब्रांचेस हो गए। 56 से 2000 में 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स को और 6 को 1980 में, सो 14 कमर्शियल बैंक्स को ऑनलाइन करेंगे। 1969 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था, तभी 1969 में 14 नेशनल बैंक्स को, 14 कमर्शियल बैंक्स, और उसके बाद में और 6 बैंक्स को भी नेशनलाइज किया गया इन 1980। तो अंडरलाइन कीजिएगा। आकृति बोल रही सर एक फेरा भी होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। आकृति वो पहले थी, अभी हट गई, अब उसकी जगह फेमा ने ली है। फेरा को हटा दो, फेमा को लगा दो, है ना। सो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फेरा, उसको हटा दो, फेमा को लगा दो। फेमा क्या अभी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। तो अभी फेरा नहीं रही, फेरा नहीं रही जी हाँ, अब फेरा नहीं रही, है ना। चलिए, हाय आकाश, आकाश में बढ़िया, तू कैसा है भाई? चलिए, 2001 से 2000 से देखो 2003 तक कोटक महिंद्रा बैंक रिसीव्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। काफी सारे आ गए, इसका कुछ मेन नहीं है। गवर्नमेंट रिमूव द बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। तो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कैश में अगर मान लीजिए विड्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लाया था गवर्नमेंट ने, हटा दिया वो, अच्छा हुआ। एज पर यूनियन बजट प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक्स रीच्ड ऑनवर्ड्स हाईएस्ट इन 7 ईयर्स। ये कुछ खास काम का नहीं, राइट। सिर्फ इतना याद रखना कि नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1969 और 1980। 1980 में 6 बैंक्स का, 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी जी ने किया था, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाय आकाश, यस आई रिमेंबर यू आकाश, डेफिनेटली आई रिमेंबर यू। चलिए, अब बेटा ये सब भर भर के डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को ऐसा पढ़ने का और छोड़ देने का, कुछ काम का नहीं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, काटो, है ना। लिख के दिया है कि ऐसा ऐसा होगा तो 12 हो जाएंगे बेटा, ये फ्यूचर की बात है, शायद हो सकता है कि बातें चल रही है कि और 2-3 बैंक को मर्ज करेंगे। बेटा जब तक बात कंफर्म नहीं होती ना तब तक आपको एमसीक्यू बनकर नहीं आएगा कि बताओ इंडिया में अभी कितने बैंक है। अभी कुछ 2-3 बैंक्स का बड़ा मर्जर होने वाला है, अब होने वाला है, ये होने वाला और होने में बहुत बड़ा फर्क है। जब होगा तभी बेटा फाइनली आपको एमसीक्यू बन सकता है ना, हवे की बातों पे नहीं होता। एसजीटी कुमार, एसजीटी बाबा की जय। आकाश कुमार भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ड्यूरिंग 17-18 द क्रेडिट टेक ऑफ ग्रू फ्रॉम का, ये CAGR का 10% देके रखा है। Q3 में क्या था, फिर कितने करोड़ हो गया बेटा, कट करो, बिल्कुल भी नहीं आएगा डेटा, याद रखना। एग्जाम में डेटा नहीं आता, डेटा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स पे याद नहीं रखना है। ओके, कितने बैंकिंग आउटलेट्स थे, कौन से सितंबर को क्या हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, दिस इंडेक्स विल मेजर एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको ऑनलाइन करना। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये क्या मजा करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल सिस्टम कितनी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब ऑलमोस्ट कितने लोगों को इंक्लूड करती है, ऐसा तो नहीं किस वह शहरों में है हमारे ब्रांच, ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूसिव नहीं रहती। तुम्हारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम कितनी इंक्लूसिव है, कितने आम आदमी तक वो पहुंच पाई है, ये वो मेजर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इट विल मेजर द एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या क्वालिटी की है और कितना वो यूज हो रहा है, ये इंडेक्स मेजर करेगा आपके फाइनेंशियल मार्केट्स की हेल्थ, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड एज पर सितंबर 18 डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर लॉन्च्ड जन धन दर्शक एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। तो अंडरलाइन करेंगे कि डीएफएस डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स, इन्होंने क्या लॉन्च किया, जन धन दर्शक। ओके, तो जन धन दर्शक मतलब क्या बेटा, डिटेल्स। तो अगर आप चाहो कि ओवरऑल फाइनेंस के डिटेल्स आपको मिले अवेलेबल, तो ये जन धन दर्शक, ये दर्शक में वो प्रेजेंट किया जाता था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती थी, सब लोगों को मिले, इसलिए ये दर्शक लाया गया। क्लियर है? अरे तो चिन्मय, मैंने कहा ना बेटा, व्हेन एसजीटी इज हियर नो फियर, मैं तुमको बताऊंगा ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तुम टेंशन पहले ही क्यों लेते हो? तुमने पहले टेंशन लिया ही क्यों चिन्मय? तुम इंतजार करते ना बाबा का इस पेज पे आने तक का। तुमको मैं बता रहा हूँ ना बेटा, दिखता नहीं बड़ा है मेरी एक्सपीरियंस, बेटा दिखता नहीं बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा, 6 महीने से सीनियर हूँ भाई मैं, विकास सर को पूछना, आप बोलना विकास सर को, अच्छा सर मेरे से सीनियर है भाई एज में, लेकिन सर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे पहले, अपन टीचिंग में आए थे तब सर आए थे, विकास सर, है ना। तो दिखता नहीं भाई, बट एक्सपीरियंस्ड बच्चा हूँ मैं, है ना, एक्सपीरियंस टीचर। तो भाई हम आपको बताएंगे ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तुम क्यों लोड लेते हो? बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आकृति, कितनी बार आकृति ये क्वेश्चन पूछने वाले हो आप? बड़ा सभी लोग एक बार चाहिए तो क्वेश्चन पूछ लो, सर ये डेटा पढ़ने की जरूरत है क्या, और एक ही बार आंसर सुन लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ सकता है, एक आया तो ये स्टैट्स के बारे में। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ये बैंक क्यों आई थी ये याद रखिए, राइट, क्यों कौन सी चीज लाई थी, स्कीम का फुल फॉर्म क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये याद रखिए, स्टैट्स याद मत रखना। सर एक और क्वेश्चन जो आएगा आगे, मुद्दा आपने जितना अंडरलाइन करा कि उतना करके गए तो काफी है क्या? बड़ा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब टाइम बहुत है तब पढ़ो ना, तुम भी तुम्हारे हिसाब से, तुमको जो लग रहा है एक आध पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था गलती से मेरे से रह गया तो वो आप भी देख लो। और एग्जाम के दिन बिल्कुल आपको यही पढ़ना है जो मैं अंडरलाइन करा के दे रहा हूँ, है ना। देखो मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, बोलने के लिए मैं आपको बोल दूंगा हाँ बेटा बिल्कुल जो मैंने करा करके, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इंस्टीट्यूट क्या मेरे बाप की है? क्या मैं इंस्टीट्यूट का दामाद हूँ? हाँ, जो वो मेरी सुनेंगे, बट एक सेंस रहता है कि स्टैट्स नहीं अगर आने वाले, इंस्टीट्यूट को भी पता है ये स्टैट्स वो नहीं पूछ सकते आपसे, तो वो क्या करते हैं, फुल फॉर्म पूछते हैं कि क्या आता है इसमें, कितने कैटेगरी है, सब ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे खोद खोद के जमीन के अंदर 10 किलोमीटर जाके क्वेश्चन नहीं ढूंढते वो लोग, ऊपर के ऊपर लेते बैठा है ना। जय हो बाबा की। अभिजीत जी थैंक यू सो मच। बहुत बोरिंग स्टैट्स रहता है, बोरिंग है बेटा, मतलब थोड़ा सा और पढ़ लोगे बेटा। एक तुमको बोल देता हूँ, अगर तुमको रात को बेटा कभी ऐसा लगे मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए जरा जाए कोई ढूंढ के लाए ना जाने कहा इको का मॉड्यूल खो गया, बेटा अगर आपको रात को ऐसा लगे कि मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन खो गया है, बस ये चैप्टर ओपन करिए, 5 पेजेस पढ़ना, गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी बेटा, मनी बैक गारंटी। 3 पेज पढ़ लो, गारंटी के साथ नींद आ जाएगी रात को। बड़े बड़े दवाई जो असर नहीं कर सकते वो असर करने की ताकत इस विषय में है। जो बड़े बड़े दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, नो साइड इफेक्ट के साथ ये आपको देगा गारंटेड 100% नींद, कोई भी हालत में किसी भी वक्त में चैन की नींद का गारंटी ये चैप्टर आपको देगा। केवल मात्र तीन पेजेस पढ़ने से आपको मिलेगी सुनहरी नींद का अनुभव विथ नो साइड इफेक्ट और एब्सोल्युटली मुफ्त। 3 पेजेस बेटा रात को, 3 पेजेस रात को, है ना, शनिवार रात्रि। सोहम नालायक ना इसी चीज पे अटका है, सोहम भाई कुछ करना पड़ेगा। ये बैडमिंटन पे इसका बहुत ध्यान होता है, एक तो पहले बैडमिंटन वाली पे, और अब ये शनिवार रात्रि पे बड़ा फोकस चल रहा है इसका अभी से। थैंक्स डॉक्टर साहब, ओह थैंक्स काजल जी, थैंक यू। अच्छा बच्चों चलिए आज के लिए बड़ा इतना ही, यहीं पे हम रुकते हैं। कल से अपन शुरू करेंगे अपने इस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का सेकंड विंग, दैट वुड बी म्यूचुअल फंड्स, राइट। सो आज अपन एक ब्रांच पढ़ लिया दैट वाज बैंकिंग सिस्टम, फिर अपन पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स, तरसों अपन पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी, और फिर होगा हमारा वाइंड अप इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये चैप्टर खत्म होगा, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, उसके बाद में बड़ा होगा हमारा एमसीक्यू सॉल्विंग। ऐसे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव तरीके से पूरा इकोनॉमिक्स जोरदार करके आपने कुछ निकालना है। लेकिन आज के लिए बड़ा इतना ही है। आई नो विकास सर ने शेयर किया कि उन्होंने आपको एक प्लान बना के दिया, बहुत बढ़िया। जो सर ने आपको प्लान दिया बेटा बस वो प्लान आपको फॉलो करना है। कल का दिन है रिविजन के लिए, प्लीज उसको रिविजन के लिए यूज करिए, वो दिन वापस नहीं आएगा। पूरे हफ्ते की मेहनत आज आपको अब कल खत्म करनी है ताकि आपको भी अच्छा लगे। सिर्फ हम सुन नहीं रहे, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुढ़ुन पाठ मागुन सपाट, जो आज पढ़ा है वो सब याद है सर, पहले का सब भूल गए, ऐसा ना हो। इसलिए सैटरडे का दिन सर ने डेडिकेटली आपको कहा है, एंड यस आई एम वेरी मच इनटू इट, आई विल एंडोर्स द सेम थिंग। आपको सैटरडे के दिन रिविजन करनी चाहिए। कल का दिन प्लीज रिविजन करिए एंड देन डेफिनेटली एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चिन्मय बेटा मुझे तो कल फोन करेगा 10:30 बजे कॉल कर लेना एंड आई विल डू इट। ओके, कल के दिन अच्छे से पढ़ाई करिए एंड कल के दिन अगर पढ़ाई आपके अच्छे हुए ना तो परसों संडे के दिन एंजॉय करना मत भूलना। ट्रीट योर सेल्फ बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यू यूटिलाइज योर सैटरडे, यू डिजर्व योर संडे। सो प्लीज डू अ लॉट ऑन सैटरडे सो दैट यू कैन एंजॉय योर संडे हार्ड। बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। मंडे को मिलेंगे सब कुछ रिविजन के साथ। थैंक यू प्रिया, यस थैंक्स। चलिए देवी सुजनो भाइयों बहनों, दिस इज एचजीटी signing off for today. I'll see you in the next lecture with more fantastic concepts. Until then, please take care. God bless you and Jai Hind. अब ये वंडर वुमन वगैरह मुझे नहीं मालूम क्या है, स्कारलेट जोहानसन एंड वंडर वुमन वगैरह, मेरा से कोई नाता नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ओह थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सो मच, lots of respect and love to you as well, thank you so much. Chale baba.